अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में जो इमेजेस आती हैं वो आती हैं पुलिस की, पर पुलिस एक सरकारी संस्था है और वो सरकार के लिए ही काम करती है। अगर किसी बंदे को अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग चाहिए तो पुलिस उसके लिए नहीं आएगी। हाँ, उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वजह देनी पड़ेगी, तब पुलिस उसके लिए आएगी। ऐसे ही अगर कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल खुलता है या क्लब खुलता है, बार खुलता है, कहीं मेला लगता है या फिर कोई सेलिब्रिटी है उसको अपनी पर्सनल सुरक्षा चाहिए, तो हर टाइम उसकी सुरक्षा में पुलिस तैनात नहीं रह सकती है। उनके मॉल्स को देखने पुलिस नहीं जा सकती है, उनको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपने पास रखने होंगे, जिस वजह से आज के टाइम में सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक सिक्योरिटी एजेंसी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आपको किन लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लागत की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कितने रुपए तक आप इससे कमा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या वाकई में सिक्योरिटी एजेंसी चल सकती है, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत वाकई में है। देखिए आज के टाइम में स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेजिडेंस, कंपनी, शॉप, पार्क, बैंक, एटीएम, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ना पड़ती हो। तो इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका यह बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको। देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करें सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, आपको अपना एक फर्म बनाना पड़ेगा। फर्म अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटरशिप के तहत हो सकता है, पार्टनरशिप के तहत हो सकता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। प्रोप्राइटरशिप अगर आप अकेले सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहते हो, पार्टनरशिप अगर आप किसी पत्नी के साथ, भाई के साथ या किसी मित्र के साथ शुरू करना चाहते, या फिर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें आप दो से अधिक लोगों के साथ में शुरू करना चाहते हो। ये जो भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ये सीए के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल कुछ रजिस्ट्रेशन आपको करवाने होंगे, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बड़ी कंपनी शुरू कर रहे हैं अपनी। तो इसके अतिरिक्त एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ लाइसेंस की बात करें तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला सकते हैं। और इस लाइसेंस को लेने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए, बिना उसके आपको नहीं मिलने वाली है। जिनमें सबसे ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस, पैन एलोकेशन यानी कि पैन कार्ड की कॉपी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ESI रजिस्ट्रेशन, PF रजिस्ट्रेशन, जो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एफिडेविट एज पर APSARA यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। आपको एक अच्छा सा लोगो चाहिए होगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, आपको एक बैच बनाना होगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाना होगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, अब पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेंट का फोटो जिसके नाम पे आप बना रहे हैं, जहां पर भी आपका ऑफिस रहेगा वो आपकी जगह है या फिर रेंट पर है उसका रेंट एग्रीमेंट, या फिर अगर आपकी जमीन है तो उसका प्रूफ देना होगा आपको। जहाँ पर भी आप अपने सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, उस ग्राउंड का जो भी ओनर होगा या गवर्नमेंट ग्राउंड है तो उस ग्राउंड के लिए आपको NOC भी चाहिए होगी। अभी हम बात करते हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए हमारी फीस कितनी लगती है। देखिए अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही केवल आप अपने एजेंसी को रखते हैं तो आपको 5,000 रुपये लाइसेंस के लिए देने पड़ेंगे। यदि आप 5 डिस्ट्रिक्ट तक अपने इस बिजनेस को बढ़ाते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट तक अपने सिक्योरिटी एजेंसी को सीमित करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का लाइसेंस बनवाना होगा। और वहीं अगर आप पूरे स्टेट में ऑपरेट करना चाहते हैं तो 25,000 रुपये आपको लगते हैं। अभी अगले चीज़ की बात करते हैं। अभी आपको बंदे चुनने होंगे जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे आपके सिक्योरिटी एजेंसी में। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करी होती है, आर्मी की तैयारी करी होती है, पुलिस की तैयारी करी होती है, मगर अभी तक उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया है, वो बेरोजगार हैं, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। खास करके आप ऐसे कैंडिडेट्स को पकड़ सकते हैं जिन्होंने NCC ट्रेनिंग कम्प्लीट करी है, क्योंकि अगर NCC वाले लोगों को आप पकड़ते हैं तो उसमें
आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको ज़्यादा ट्रेनिंग उनको नहीं देना पड़ता है, वो पहले से समझदार होते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो भी बेरोजगार हैं, अभी नौकरी की तलाश में है, गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में है, पर अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अर्निंग का, तो उन्हें आप ऑफर कर सकते हैं या फिर आप वैकेंसीज दे सकते हैं कि इतने हाइट तक के लोगों की ज़रूरत है, इतने लोगों की ज़रूरत है, वो लोग खुद आपके पास आ जाएंगे। और नॉर्मल एवरेज सैलरी अगर हम बात करें तो आप उन्हें 10 से 12 हज़ार रुपये तक दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस सिटी में है। और अभी हम अर्निंग की बात करते हैं। सपोज दैट एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कम से कम 18 से 20 लाख रुपए होता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा लिया जाता है, एक साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाता है। अब इसी हिसाब से मान के रखिए कि आप 12-12 हज़ार रुपये ही अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दे रहे हैं और आपने 20 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, 10 सिक्योरिटी गार्ड्स आपने देने हैं एक साल के लिए, तो लगभग 14.5 से 15 लाख के आसपास ये बनता है और 5 लाख रुपये इसमें आपको बचते हैं, और ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट का है। अगर आप अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम आज बात करें तो SIS एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि सिक्योरिटी कंपनी है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हैं। अगर आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो KGMU, आपने नाम सुना होगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और हज़ारों की संख्या में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती है आज के टाइम में SIS कंपनी के द्वारा। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका नाम बनता जाता है, आपकी कंपनी का नाम बनता जाता है, वैसे वैसे आपके पास काम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता जाता है और आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, अलग अलग मूवीज थिएटर्स मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको अपने बाउंसर्स या फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स देने होंगे, और इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 2 से 3 लाख रुपए पूंजी तो होनी चाहिए शुरुआती तौर पर। इतना मान के रखिए कि अचानक से कभी ऐसा हुआ कि कस्टमर ने पेमेंट थोड़ा सा लेट किया, तो आपको अपने पास से सैलरी देनी होगी जो भी आपके स्टाफ्स आपके पास काम कर रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ATM वगैरह में खास करके या बैंक वगैरह में लूटपाट होने का खतरा रहता है, तो उसमें हार्म हो सकता है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनकी, तो उनकी सुरक्षा आपको लेकर चलनी है और थोड़ा बहुत अपने आप को मजबूत करके आपको चलना है, ये समझ के रखिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप सिक्योरिटी एजेंसी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।